नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। मऊ की घोसी विधानसभा में चुनावी मौसम अपने पूरे रंग में रंग चुका है। वोटरों को साधने के लिए जनसभाओं में उम्मीदों और योजनाओं की झमाझम बरसात की जा रही है। अखिलेश यादव खुद इस पूरे मोर्चे को संभाले हुए हैं। अखिलेश की जनसभा में हर रंग के झंडे दिख रहे हैं, इंडिया का पूरा समर्थन मिल रहा है। वहीं एनडीए की तरफ से ओपी राजभर और संजय निषाद मोर्चा संभाले हुए हैं। दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह के बीच ये लड़ाई देखी जा रही है। अगर 2022 के विधानसभा के परिणामों पर नजर डाली जाए तो उस समय समाजवादी पार्टी के दारा सिंह चौहान को 1,84,030 वोट मिले थे और वो सीट से जीत गए थे। अब वही दारा सिंह चौहान बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और आपको बता दें, वहीं बीजेपी से विजय कुमार जो 2022 में थे राजभर, उनको 86,214 वोट मिले थे। बसपा के वसीम इकबाल उर्फ चुन्नू को 54,248 वोट मिले थे और कांग्रेस से प्रियंका को 2,012 वोट मिले थे। अब सवाल इस बात का कि इस बार बसपा का वोट बैंक कहां खिसकेगा और जहां खिसका जीत उसी की होगी, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर किसके साथ जाती हुई दिख रही है बसपा, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। घोसी उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी तापमान में गर्माहट साफ महसूस हो रही है। सियासी बिसात पर लड़ाई सिर्फ दो की है, लेकिन समीकरण एनडी और इंडिया गठबंधन को लेकर बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इस उपचुनाव को लोकसभा चुनाव के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। रणनीति के साथ कूटनीति देखी जा रही है। घोसी के उपचुनाव नतीजों पर काफी कुछ टिका हुआ है, काफी सवाल मन में है। क्या घोसी उपचुनाव के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन का स्वरूप बिगड़ेगा? घोसी उपचुनाव के एक मॉक टेस्ट के तरह है, लेकिन इसके नतीजे 2024 में होने वाले बोर्ड एग्जाम में काफी असर डालेंगे। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने घोसी की अपनी जनसभा में साफ कर दिया था कि ये चुनाव 2024 के लिए एक संदेश है। अखिलेश के भाषण में यह साफ हो गया कि विपक्ष इसे इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन की तरह देख रहा है। अखिलेश की सभा में सभी दलों के झंडे दिखाई दिए थे, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया था। घोसी की जमीन पर 2024 लोकसभा चुनाव की भी फसल बोई जा रही है, जहाँ सपा का मकसद घोसी उपचुनाव को जीत इंडिया को एक रियलिटी चेक देना, वहीं बीजेपी का मकसद एक बड़ी जीत के साथ इंडिया गठबंधन को आईना दिखाना है। जमीन पर यह लड़ाई बहुत कांटे की होती जा रही है। समाजवादी पार्टी अपने बेस वोट के साथ साथ दलित और सर्वणों के वोट बैंक में सेंधमारी करती नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी अपने परंपरागत सर्वण वोटों से दूर यति पछड़ी जाति में जबरदस्त तरीके से पकड़ बनाए हुए है। इसकी असल वजह बीजेपी से कहीं ज्यादा दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे नेताओं की तिकड़ी है, जो नेता तो अपनी जातियों के हैं लेकिन बीजेपी के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। विपक्ष को उम्मीद है कि घोसी की जीत विपक्षी कुनवे को बढ़ाने का जरिया बन सकती है। इंडिया गठबंधन बीएसपी को साथ लाने के लगातार प्रयास में है, मगर मायावती साफ कर चुकी है कि अगले चुनाव लड़ेंगी। विपक्ष की दुनिया उम्मीदों पर कायम है कि घोसी का नतीजा पक्ष में आने से मायावती अपने फैसले पर विचार कर सकती हैं। अब घोसी का चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए क्या गुल खिलाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो घोसी में चुनावी दंगा लगातार जारी है और ये प्रतिष्ठा और नाक की लड़ाई बनती जा रही है। तमाम दिग्गज यहाँ पर अपनी पूरी ताकत को झोंक रहे हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका हमारे साथ। तारिक खान साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है तारिक जी आपका हमारे साथ। अमिताभ कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है अमिताभ जी। तीनों मेहमानों का स्वागत। चर्चा को शुरू करते हैं सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी से। प्रदीप जी, जिस प्रकार से देखा जाए अखिलेश यादव लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, उनकी जनसभा में हर रंग के झंडे देखे जा रहे हैं,
मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उनको रोकने के लिए आपने क्या तैयारी की है। लगातार ओपी राजभर और संजय निषाद पोस्टर बॉय तो आपने बना रखे हैं, और ऐसी कौन सी अहम तैयारियां हैं जो घोसी के किला को आप जीत सकते हैं? सुनील जी, जनता का काम है वोट डालना और जिताना। और अगर उत्तर प्रदेश की जनता को, खासतौर घोसी के जो उपचुनाव हो रहे हैं, अगर उन्हें उत्तर प्रदेश का शासन और शासन के जो मुख्यमंत्री हैं उनका कार्य, अगर उनका जो पिछला कार्यकाल जो देखा उन्होंने उसको देखते हुए वोट पड़ेगा। देखिए बात, अगर आप अखिलेश जी करते, अखिलेश जी ठीक है अपने करने गए, थोड़ा सा उन्हें बताना पड़ेगा मंच पे अपने वादे भी और अपने इरादे भी कि हम आए तो उत्तर प्रदेश में क्या किया और हम गए तो हमने उत्तर प्रदेश में क्या किया। ये जो 2 लाख करोड़ से ऊपर की जो जमीन छुड़वाई गई है समाजवादी पार्टी के नेताओं से, उनके माफियाओं से, उसके बारे में ही बताना पड़ेगा कि वो जमीन किसकी थी। जनता तो सवाल पूछेगी और उस चीज का जवाब देना है, और वो भाग नहीं पाएंगे। आजमगढ़ का चुनाव देखा है अच्छी तरीके से कि आजमगढ़ के चुनाव में उन्हें क्या हासिल हुआ। अब आपने करी बात झंडों की, झंडे इसलिए इतने सारे इकट्ठे हैं कि अभी आपने गणना बताई कि किसको कितने वोट मिले और किसको एक वोट नहीं मिले, वो बड़ी अहमियत रखता है। और उस चीज को लेकर आज देखिए ना, डर है ना, इसे तो कहते हैं डर अच्छा होता है। वो डर है ना आपको सारे दिखाई दे रहे हैं आज, और वो सारे करप्शन वाले झंडे आज वो वोट मांगने का काम कर रहे हैं। मगर उस जनता को, उस भारत के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, उस चीजों को दूर रखने के लिए, भ्रष्टाचारियों को दूर रखने के लिए जनता को वोट करना है। लेकिन सर सवाल, एक सेकंड प्रदीप जी, एक सेकंड सर सवाल, मैं आपको जरा कुछ दिखाना चाहता हूं कि 2022 में किसको कितने वोट मिले थे। अगर देखा जाए, हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर वो दिखाना चाहते हैं और डेटा के माध्यम से, जिसे ठीक से समझा जा सके कि किसको कितना वोट मिला था। अगर बात की जाए दारा सिंह चौहान, जो कि समाजवादी पार्टी के उस समय उम्मीदवार थे और जीत गए थे 2022 में, उनको 1,84,030 वोट मिले थे। और प्रियंका, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उम्मीदवार थी, उनको 2,012 वोट मिले थे। और वसीम इकबाल उर्फ चुन्नू बहुजन समाजवादी पार्टी के थे, उनको 54,248 वोट, 54,248 वोट बहुजन समाजवादी पार्टी को मिले। और विजय कुमार राजभर, जो 2022 में उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी, उनको 86,214 वोट मिले थे। अब पूरा दारोमदार प्रदीप जी बहुजन समाजवादी पार्टी के हाथों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी का और बताइए क्या मिला था, क्या समाजवादी पार्टी को कितना वोट मिला था? मैंने आपको बताया ना, 1,84,030 जीत उन्हीं की हुई थी सर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि सारा दारोमदार बहुजन समाजवादी पार्टी के हाथों में है, और मायावती जी पहले ही कह चुकी हैं वो किसी के साथ नहीं जाएंगी, खुद अकेले चुनाव लड़ेंगी। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, अगर ये वोट बैंक समाजवादी पार्टी या इंडिया के गठबंधन में चला गया तो आपका क्या होगा? उससे पहले भी दारा सिंह चौहान वहां से चुनाव लड़े और जीते, और भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पे ही चुनाव लड़े थे और वो भारी मतों से विजयी हुए थे। दारा सिंह चौहान जो है अपने क्षेत्र के एक नामी नेता हैं और उन्होंने जनता और प्रजा के लिए करा है, तो इसलिए उन्हें समाजवादी पार्टी में जाने के बाद भी इतना मत मिला उनसे, तो दर्शाता है कि चेहरा बड़ा है और चेहरे की वजह से ही समाजवादी पार्टी वहां चुनाव जीती, जो अब बहुत बुरी तरीके से हारेगी, जिसे आदरणीय अखिलेश जी भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अपनी सीट, लेकिन प्रदीप जी मायावती जी का बड़ा रोल है ना, बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट तो जहां होता है वो टिका रहता है। अब वो कहीं भी जाने को तैयार नहीं है, उन्होंने खुद कह रखा है कि वो स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ेंगी। मैंने आपसे सवाल ये किया था, अगर इंडिया में ये चला गया तो फिर आपका क्या होगा? नहीं नहीं, देखिए ये तो जनता को सोचना, चला गया तो इंडिया चला गया, देखो जहां जनता को देना है वो देना है। सीट मिलेगी तो स्वागत है, नहीं मिली तो भी जाओ जनता के लिए, प्रजा के लिए काम करना, उत्तर प्रदेश के लिए। ये कोई घमंडी अहंकार की नहीं है, प्रजातंत्र है, प्रजा को जो अच्छा लगेगा वो उसे वोट देगी। तारिक जी मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है सर, मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहता हूँ। इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी का अहम रोल देखा जा रहा है घोसी की सीट पर, और अगर बहन जी बीजेपी का समर्थन कर देती हैं, बीजेपी में वोट चला जाता है, तो फिर आपकी तो क्या हो सकता है सर? तारिक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर।
अब आ रही आवाज? हाँ जी सर, जी आ रही है सर। देखिए, कोई वोटों का ठेकेदार नहीं अब बचा है कि बहन जी कह दें और वहां वोट चला जाएगा। हाँ, ये बात अलग की है कि वहां जो कैंडिडेट था वो मुसलमान था, उसको 55,000 वोट शायद मिले थे। वो वोट अब कहां स्विंग करते हैं, क्योंकि पसमंदा मुसलमान के लिए तो बहुत कुछ कर दिया बीजेपी ने, बुनकरों के लिए बहुत कुछ कर दिया, तो हो सकता है उनको वोट दे दे। भाई जनता लोकतंत्र है। अभी बाई इलेक्शन की बात हो रही थी, भैया बाई इलेक्शन आप हारे भी तो हैं। आप फूलपुर और गोरखपुर, एक आपकी सीएम की सीट थी और आपकी एक डिप्टी सीएम की सीट थी, अब दोनों हार गए थे। हारे तो नहीं, हारे थे सुनील भाई, हारे थे कि जीत गए थे? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुनील भाई, हारे थे ना सर? जीते भी तो थे बीजेपी, आप वकालत कर रहे हैं या मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी हारी थी या नहीं? नहीं, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ ना सर कि बीजेपी जीती है, वो भी आपको याद होना चाहिए सर। और मुझे याद है। हाँ, तो आप उसका जिक्र नहीं कर रहे ना सर? मैं मान रहा हूँ मैं अपना गढ़ हार गया था। प्रदीप जी जवाब दीजिए। मैं मान रहा हूँ मैं अपना गढ़ हार गया था, लेकिन मैं इनका गढ़ भी तो हार के आया हूँ। अरे उसे हराना क्या, हराना थोड़ा ना कहते सारे मिलते अकेले क्यों नहीं चुनाव लड़ते? कैराना भी देखते चुनाव लड़े थे आप, कैराना जीते ना, और बाद में क्या हुआ कैराना में? बाद में पता जनता ने दोबारा आईना दिखाया ना आपको, और जनता ने विश्वास करके जिताया भारतीय जनता पार्टी को कैराना भी। अभी आपने तारीख की जवाब दीजिए प्रदीप जी की बातों का। वोट पे आपने कहा ऐसा है ना भाई कि मैं ये कह रहा हूँ, प्रदीप भाई सुनिए, आप अपनी भी कहिए मेरी भी सुनिए। मैं कह लू अगर आप हरा दो तो बहुत बड़ा कद्दू पे तीर मार दिया कि रामपुर हार गए, आप बोल ले हम बोल ले, फिर आपको मौका देंगे, मैं नहीं बोलूंगा आपके। देखिए राष्ट्रीय चैनल में बैठे, थोड़ा हमारे शब्द ठीक होने चाहिए। खान साहब मैं ठीक है, सुन लीजिए, ये कोई अभद्र बात नहीं की है। यहाँ तो साध्वी कहती है कि चाकू चूरी तेज कर दो, पेट में गड़ो दो मुसलमानों के, तो अब जरा सुनिए आप। तो मैं ये कह रहा हूँ वो सभ्यता है और कद्दू पे तीर मार दिया असभ्यता है, इसका निर्णय चैनल करेगा। हाउएवर जब आप हमको रामपुर हरा दे तो बहुत बड़ा इवेंट हो गया, और यूएस प्रेसिडेंट के चुनाव जीत गए जो बाइडेन, इससे बड़ा इवेंट हो गया। ठीक है भैया, हम हार गए, हमने हार स्वीकार की, और हम गए आपको और मुख्यमंत्री की सीट और डिप्टी मुख्यमंत्री की सीट दोनों हराए थे, तब कुछ नहीं हुआ। अरे नॉर्मल है, कुछ नहीं, नॉर्मल घटना है, बाय इलेक्शन होता रहता है, हारते रहते हैं। ये बात गलत है एंकर महोदय, हम हारे हैं, हार को यहां रख के स्वीकार करते हैं क्योंकि जनादेश है। सर चुनाव भी हार सकते हैं। मैं तारिक जी आपको बता दूं, मैं प्रदीप जी सवाल लूंगा सर। इस बार इंडिया का गठबंधन का आप अलायंस है सर, समर्थन है। हाँ, इंडिया के अलायंस में आप हैं, पहले इंडिया के अलायंस में सर आप नहीं थे, और 2024 का इलेक्शन नाक पर है, आने वाला है, बहुत कुछ डिसाइड करेगा सर। प्रदीप जी बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने भी बताया था जब अब तो इंडिया अलायंस हो गया, लेकिन आपने बताया कि कांग्रेस को मात्र 2000 वोट के आसपास, अब वो कांग्रेस में साथ आ गए ना, अपना जनाधार अपने आप को जिंदा रखने खड़ा करने के लिए। तो थोड़ा पूछना चाहता हूँ, जब ये कैराना लड़े तब भी सारे एक साथ थे इनके साथ, केवल एक बहुजन समाज पार्टी इनके इनके सामने चुनाव नहीं लड़ी थी और ये कैराना जीत गए थे, फिर वहां की जनता ने इनके साथ क्या किया? चलिए छोड़िए, आप तो प्रदेश की सबसे मुख्य पार्टी है और मजबूत विपक्ष में बैठे हैं, तो क्या हुआ आजमगढ़ का? खुद मुख्यमंत्री अपनी सीट नहीं जीता पाए, इससे बड़ी क्या बात होगी? अब देखिए ना, इन्होंने मेनपुरी से अभी आदरणीय डिम्पल जी को लड़ाया, तो बताइए सारा अलायंस एक क्यों हो गया था? क्यों नहीं सारे अलग अलग लड़े? तो सब चीज दिखती है, दर्शाती भी है, क्योंकि इनको जो है परिवार से प्यार ज्यादा है, तो कार्यकर्ता इनके पास चुनाव लड़ने के लिए है ही नहीं, लड़ेंगे तो कोई माननीय क्या नाम स्वर्गीय श्री बुलंद यादव जी के परिवार से लड़ेंगे। जी जी, सब चीज दिखती है। ऐसा है कि 140 करोड़ जनता ने आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। भैया हम लोग के पास एक भी कार्यकर्ता नहीं, हम लोग भीख मांग रहे हैं कि एक आध लोग कार्यकर्ता हमने तरफ ट्रांसफर कर दो। भाई प्लीज, आपने इतनी बड़ी पार्टी बना दी और 4,500 इंच का सीना कर दिया मोदी जी ने अब, और अरुणाचल प्रदेश दिखा दिया चाइना ने अपने अंदर। खैर ये सब अजीब बातें हैं, मैं ये कह रहा हूं एंकर महोदय सुनिए, सुनील भाई मुझे संबोधन आपसे करना है, जैसे विधानसभा में चेयर से बात की जाती है वैसे ही आप चेयर। तो चेयर महोदय सुनिए कि देखिए किसी का गढ़ और नहीं बचा है, हम हारे हैं उसको स्वीकार करते हैं, मगर ये अजय ये कभी नहीं हारे। क्यों? क्योंकि इनका नेता मोदी है, वो हार नहीं सकता है, वो कंप्यूटर है, इंसान कहां है वो?
और मशीन हार नहीं सकती। हम लोग इंसान हैं, मगर हम हार को स्वीकार करते हैं। हम मानते हैं कि हम रामपुर हारे थे, हम मानते हैं हम आजमगढ़ हारे थे, मगर ये कुछ ना नहीं हारे आज तक। सारा बाई इलेक्शन जीते, करोड़ों वोट भर भर के दिया इनको जनता। भाई साहब ये मसला है, देखिए हार को स्वीकार करना ठीक है तारिक जी, हार और जीत लगी रहती है तारिक जी, हार और जीत लगी रहती है। लेकिन मैं आपसे एक सेकंड सर, एक सेकंड तारिक जी, एक बार इनके मुंह से कहलवाइए कि ये भी बाई इलेक्शन हारे हैं स्वीकार करें। सर हर बाई इलेक्शन की तस्वीर अलग होती है, हर बाई इलेक्शन की तस्वीर अलग होती है। घोसी में जो बाई इलेक्शन हो रहा है वो इंडिया गठबंधन पहले नहीं था सर, नहीं था। ये सवाल मैं आपसे इसलिए मिलकर बोल रहा हूं, आप ऐसे देखा जाए पहले तो मायावती जी आपके साथ थी लोकसभा चुनाव में, अब तो मायावती इंडिपेंडेंट है। तो हमेशा इक्वेशन अलग बनती है ना सर। मैं तो घोसी की प्रेजेंट टाइम की इक्वेशन को लेकर आप बात कर रहा हूं। नहीं देखिए देखिए घोसी की जो प्रेजेंट, पहले ओपी राजभर आपके साथ थे, अब ओपी राजभर एनडीए के साथ हैं सर। मैं कह रहा हूं घोसी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो मुझे लगता है कि समाजवादी के फेवर में जाएगी, क्योंकि जनादेश जो पहला था नॉर्मल चुनाव में, ये एबनॉर्मल चुनाव है। नॉर्मल चुनाव 5 साल पे होता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के फेवर में जाएगी तारिक जी, मान लेता हूं। तो सवाल तो मेरा सर आपसे यही था कि मायावती का बीएसपी का 54,248 वोट बैंक, अगर वो एनडीए में चला गया तो फिर आपका क्या होगा? नहीं जाएगा, सुन लीजिए अब। किस आधार पर आप कह सकते हैं नहीं जाएगा सर? सुन लीजिए, अब सुन लीजिए मेरी बात, अब सुन लीजिए, उसको एक्सप्लेन करने का तो मौका दीजिए मुझे। वो कैंडिडेट था मुसलमान, माइनॉरिटी या मुसलमान, हमने देखा है कि एंटी बीजेपी वोट फ्लो होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़े कहते हैं चिल्ला चिल्ला के। सर ऐसे बहुत से मुस्लिम बाहुल इलाके हैं सर, ऐसे बहुत से मुस्लिम बाहुल इलाके थे जहाँ बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती थी सर। कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। और जो बीएसपी का मूल वोट, कैडर वोट जिसको कहते थे, वो 25,000 से 30,000 प्रति विधानसभा था, वो 2022 के विधानसभा के चुनाव के बाद से 60,000 हो गया, जो कि बेस वोट माना जाता है, जो उस बिरादरी का है जिस बिरादरी से स्वयं मायावती आती हैं। उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, सिर्फ वो वोट दे रहा है। इसका मतलब बाकी बचा हुआ वोट मुसलमानों का है, उसको जोड़ लीजिए कि वो कहां जा रहा है, उसके बाद निर्णय लीजिएगा। फिर भी हम आसमानी दावे नहीं करते हैं। प्रदीप जवाब दीजिए, बजाना है आपके पास। प्रदीप जी सुनील जी, जिन्होंने जातिगत राजनीति करी हो, उत्तर प्रदेश जातियों को धर्म को बांट के राजनीति करी हो, तो आज स्पष्ट कह रहे हैं कि जो 55,000 वोट जो मुस्लिम समुदाय का है वो समाजवादी का ठेका थोड़े ने रखा है, मुस्लिम समुदाय का समाजवादी पार्टी दिया क्या है लैपटॉप के सिवा। लेकिन प्रदीप जी ये भी आपको मानना पड़ेगा, प्रदीप जी ये भी आपको मानना पड़ेगा कि मुस्लिम वोट आपको प्रॉपर नहीं मिलता। देखिए मुस्लिम, हाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इसमें कोई वो नहीं कहूंगा और आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर जो छवि हमारी प्रस्तुत करनी चाहिए सभी पार्टियों ने वो आज धूमिल हो चुकी है, क्योंकि सब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, देखिए ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, देखिए ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये कदे हिंदू मुस्लिम करते हैं, मगर नहीं। आज चाहे मुसलमान हो चाहे किसी भी जात धर्म का हो, प्रदेश की जनता को पता है कि हिंदू मुसलमान को भड़काने का किसने काम किया, क्यों उसका बहुत बड़ा उदाहरण सिफाई, सिफाई का डांस ठुमके तो देखा जनता ने। आज भी आदरणीय अखिलेश जी मुजफ्फरनगर नहीं गए आज तक, मुख्यमंत्री रहने के बावजूद, पूर्व दो बार पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी नहीं गए, मगर सरकार बनानी है उस चीज को देखिए, आपको जनता ने चुना अपना मुखिया और मुखिया काम है सबको एकत्रित एक साथ लेकर चलना। तारिक जी का यही कहना है कि 54,000 जो मुस्लिम वोट बैंक था, ये पहले बिल्कुल सही का वसीम इकबाल उर्फ चुन्नू बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो 54,248 वोट लेकर आए थे 2022 में, वो मुस्लिम नहीं नहीं उसमें वो कह रहे हैं कि सारा वोट बैंक हमारे पास आएगा, फिर तो आपकी बहुत मुश्किल बन जाएगी सर। देखिए वो मोहन जी बहन जी का अपना वो निजी वोट बैंक भी है, इस पे जो दावा कर रहे हैं ये, और कोई इनकी जागीर नहीं है मुस्लिम या पिछड़े वर्ग भी, वो जनता है, वो वोटर है, वो दिखाएगी कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। जो आपने दावा करा तो ये मानना पड़ेगा ना सर, बीएसपी का वोट बैंक काम बिगाड़ेगा? नहीं हमारा नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा तो इनका बिगाड़ेगा। अच्छा और देखिएगा तारिक जी इंडिया कहाँ जाएगी, जीरो शालीनता से सुना है, अब सुन ले फिर आप बोलिएगा। जी भाई है, देखिए ऐसा है, कितना बेहतरीन आपने मुसलमानों का डेवलपमेंट किया, इसका मैं एक उदाहरण पेश करता हूं।
हमने जब सरकार छोड़ी थी तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट 3300 करोड़ था, आज है 1600 करोड़। मैं कह रहा हूं नितिन गडकरी का पैसा आधा कर दीजिए तो रोड ज्यादा बनेंगे कि कम बनेंगे। नितिन गडकरी के विभाग का लगातार पैसा बढ़ाया जा रहा है। मानक ये बहुत बड़ा है कि आप किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा दे रहे हैं, वो तभी डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। केंद्र अगर राज्य को पैसा नहीं देगा तो वो डेवलप नहीं कर पाएगा, पहला आरोप। दूसरा आरोप, आपने पसमंदा मुसलमानों की बात की, बुनकर पसमंदा मुसलमान है। बुनकर को हमारी सरकार ने 70 रुपए प्रति यूनिट बिजली देने का काम किया जो लगभग फ्री थी। आपने एक आदेश पारित किया, एक सेकेंड, बस 3 सेकेंड का समय है सर, जल्दी से, जल्दी से, मुझे जाना है अमिताभ जी के पास जी। एक आदेश आपने पारित किया जिसके तहत उनको 400 रुपए प्रति यूनिट जो नॉर्मल कॉमर्शियल रेट है उस पर मिल रहा है, बड़ा काम। जल्दी से प्रदीप जी जवाब दीजिए जल्दी से। क्यों ये नहीं बताएंगे कि जो आज हमने सर्वे कराया तो 7 लाख स्टूडेंट कहां चले गए मदरसे से? आज 22,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला मदरसों का पकड़ा, उसके बारे में भी तो बताइए जो आप लोगों ने कागजों में चला रखा था और खा रहे थे। ठीक है सर, ठीक है। अमिताभ जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? अमिताभ जी आपने बहुत अच्छे सुन लिया होगा तारिक जी को और आपने सुन लिया होगा प्रदीप जी को। सवाल मेरा आपसे, घोसी में महासंग्राम जारी है, चुनावी दंगल चल रहा है, किसके फेवर में हवा दिखाई दे रही है? अब तो निकल के आ रहा है कि मायावती जी के हाथ में ही पूरी कमान है, जहां उनका वोट बैंक सरका, जीत उसी की। नहीं, सपा बहुत अच्छा संघर्ष कर रही है, इसमें दो राय नहीं है, और संघर्ष जो है वो लगभग बराबरी के टक्कर पर ले जा रहे हैं। लेकिन मायावती जी का जो वोट है उसका बड़ा हिस्सा तो सपा को उम्मीद नहीं करना चाहिए कि उनकी तरफ जाएगा, क्योंकि जो इन्होंने वो विपक्ष का गठबंधन बनाया है उसने पूरी तरह से उनको नजरअंदाज किया है। और वैसे भी जो दलित वोट है उस वो अब भाजपा की तरफ काफी बढ़ रहा है, तो मायावती जी का वोट बैंक जो भी है वो मुझे लगता है कि भाजपा को उसका लाभ मिलने जा रहा है। और ये जो क्वेश्चन है इसका नुकसान सपा को पहुंच सकता है, मुझे लगता है कम मार्जिन से ही सही, लेकिन सपा इसको नहीं निकाल पाएगी। ये सीट भाजपा के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है जो अभी वर्तमान परिस्थितियां हैं, और वो खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं जिस ढंग से INDIA गठबंधन ने जिस ढंग से मायावती को नजरअंदाज किया है उससे यह स्पष्ट हो गया है। और कांग्रेस वगैरह का वोट बैंक वहाँ है ही नहीं, 100, 200, 400, 500 लोग होंगे, उन सब से कुछ नहीं बनने वाला है। सपा का अपना अख्तियार वहाँ पे ठीक ठाक है, और दारा सिंह चौहान जो है वो जमे हुए नेता है, वहाँ पे लोग उनको पसंद करने वाले हैं, इसलिए उनका अपना एक बड़ा वोट बैंक ऑलरेडी वहाँ पे है जिसमें मर्ज हो रहा है, भाजपा का वोट मर्ज हो रहा है, मायावती जी का वोट मर्ज हो रहा है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर उनके लिए कॉम्बिनेशन बन रहा है, और इसी वजह से अखिलेश जी भी मेहनत कर रहे हैं। मुझे अच्छा ये लगा कि अखिलेश जी बाहर निकल के भिड़ गए मैदान में, जिसके लिए उनको 4-5 साल पहले से करना था, इसी ढंग से आना चाहिए था, लेकिन अच्छा है उनके समझ में आया है, तो संघर्ष करेंगे, टक्कर देंगे, क्योंकि ये उनके लिए बहुत जरूरी जी, है। बिल्कुल, ये वक्त बताएगा 8 तारीख को नतीजे आएंगे कि हवाओं का रुख क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का चर्चा में जोड़ने के लिए, प्रदीप जी आपका, तारिक जी आपका और अमिताभ जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि मायावती का वोट बैंक बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट कि बीजेपी के खेमे में जा सकता है, और अगर बीजेपी के खेमे में गया तो अखिलेश यादव को इसका नुकसान होगा। वक्त बताएगा वोट बैंक कहां जाता है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।